Human weather forecaster. अरे वाह सुनिया, तुम्हारे शूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें अच्छे लगे शिजुका? ये शूज मॉम ने मुझे कल ही दिलाए हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है, तुम्हारी मॉम तो सच में बहुत अच्छी है सुनियो। दरअसल मॉम कल बहुत अच्छे मूड में थी। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही शूज चाहिए। मैं भी अपनी मॉम को ऐसे ही शूज लेने के लिए कहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल शिजुका, ये शूज तुम पर बहुत अच्छे भी लगेंगे। सच में सुनियो? कहते हैं कि शूज से इंसान की पर्सनालिटी का पता चलता है। अच्छे लोग हमेशा सोच समझ कर ही अपने शूज खरीदते हैं दोस्तों। तुमने बिल्कुल सही कहा सुनियो। अरे शो शुरू करो, क्या कर रहे हो? मैं घर आ गया। ओहो, फिर से सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सुनिए मॉम, मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारा पॉकेट मनी दे चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था मॉम। देखो अभी मुझे बहुत काम है, तुम अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, समझ गए तुम? मॉम ने मेरी बात भी नहीं सुनी और हमेशा मुझे पढ़ने के लिए ही कहती रहती है। लेकिन वो अभी बिजी हैं। इतनी भी नहीं है। बात ये है कि कुछ वक्त से मॉम का मूड बहुत खराब चल रहा है और इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन रही। नोबिता, तो मुझे उनसे कब बात करनी चाहिए? जब मॉम का मूड अच्छा हो। कहना आसान है, भला मुझे कैसे पता चलेगा उनका मूड अच्छा है? तुमने सही कहा। अरे हाँ आइडिया। तुम क्या निकाल रही हो? ये तो टीवी है। ह्यूमन वेदर फोरकास्टर। वेदर फोरकास्टर? ये कोई आम वेदर फोरकास्टर नहीं है नोबिता। ये मौसम की बजाय लोगों के मूड के बारे में बताता है। सबसे पहले हमें मूड सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा। 5, 4, 3, 2, 1, गो। तुम्हें पता है इस गैजेट की मदद से हम किसी के भी मूड के बारे में जान सकते हैं। हाँ? तो फिर चलो। हम सबसे पहले मॉम के मूड के बारे में जानते हैं। तो मॉम का नाम है टमाको। आज टमाको का मूड कुछ इस प्रकार है। दोपहर तक बादल छाए रहेंगे, शाम तक आसमान साफ हो जाएगा और रात को। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ नोबिता, इससे हमें उनके मूड के बारे में पता चलेगा। जैसे कि साफ आसमान का मतलब है अच्छा मूड, काले बादल का मतलब है परेशानी, और बारिश का क्या मतलब है? रोना। बिजली कड़कने का क्या मतलब? इसका मतलब है गुस्सा। अच्छा तो ये बात है। ये सुबह का मूड है, ये दोपहर का और ये रात का। मतलब आज मॉम का मूड ऐसा रहेगा। देखो इस गैजेट के मुताबिक सुबह मॉम का मूड खराब होगा, लेकिन रात होने तक उनका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज रात मैं मॉम से शूज के लिए कहूँगा। मैं घर आ गया। डैड आप आ गए, स्वागत है। मैंने कहा था ना कि अगर आपको देर हो रही होगी तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। क्यों? आप भी ना, ये भी लीजिए। हाँ दीजिए। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉम अच्छे मूड में है। तो फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ यही वक्त है। सुनिए मॉम, क्या आप मुझे अच्छे शूज दिलवा देंगी प्लीज? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगी। सच में? क्या बात है मॉम, ये। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? धीरे धीरे खाओ नोबिता। ठीक है, डिनर के लिए थैंक यू मॉम। अब तो तुम खुश हो ना नोबिता? ये गैजेट कितना कमाल का है। हाँ चलो बाकी लोगों के मूड के बारे में जानते हैं डोरेमोन। ठीक है, लेकिन किसके बारे में? मेरे ख्याल से क्यों ना सर के मूड के बारे में जाने डोरेमोन। हाँ हाँ चलो देखते हैं। सर के मूड का हाल इस प्रकार रहेगा, सुबह और दोपहर को बिजली कड़केगी, जरा ध्यान रखना होगा। नोबिता सुनो, नोबिता। नोबिता क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से सर तुम पर गुस्सा हो जाएंगे? याद करने की कोशिश करो नोबिता। हाँ अगर मैं इसे भूल जाता तो कल सुबह सर मुझे बहुत डांटते। जरा देखो वहाँ बिजली की जगह आसमान साफ हो गया। अरे सही कहा तुमने, सही टाइम पर उसे अपने बैग में रख लिया, वरना कल तुम्हें जरूर डांट पड़ती। लेकिन दोपहर का निशान अभी भी वही है।
लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि सर सिर्फ तुम्हें ही डांटे नोबिता। मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ ही होगा, अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ ना मुझे किस वजह से डांट पड़ सकती है डोरेमोन, प्लीज बताओ ना। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम्हें तो अक्सर डांट पड़ती रहती है ना। चलो बीना। देखो अब जल्दी सो जाओ वरना अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी। ये ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग नोबिता। हाँ गुड मॉर्निंग शिज़ुका, हमें कल कोई होमवर्क तो नहीं मिला था ना? हाँ नहीं मिला था। अगर होमवर्क नहीं मिला तो किस वजह से डांट पड़ेगी? बच्चों कल मैंने जो सामान कहा था वो सब लेकर आए हैं? लाए हैं। मैं भी लाया हूँ। अरे वाह नोबिता, आज तुम भी लेकर आए हो, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया। डोरेमोन खाना खा लो। ठीक है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। ये क्वेश्चन ऐसे होता है, आज के लिए इतना ही काफी है और अब बारी आती है तुम्हारे मैथ्स की आंसर शीट वापस करने की, ठीक है? अरे नहीं सर, आज ही क्यों वापस दे रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। नोबिता। मुझे माफ कर दीजिए सर। नोबिता तुमने टेस्ट काफी अच्छा किया है। 50 मार्क्स, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आज तो घर जाके मैं बहुत खाना खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिरकार मुझे डांट नहीं पड़ी, लगता है वो गैजेट जरूर गलत था। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मैं बहुत खुश हूँ। हे नोबिता, तुम्हें याद है ना आज हमारी फुटबॉल प्रैक्टिस है, टाइम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं घर आ गया। अरे नोबिता, डोरेमोन तुम्हें पता है आज मुझे सर से डांट नहीं पड़ी। अच्छा क्या तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ आज स्कूल में सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा डोरेमोन। नोबिता शिज़ुका का फोन आया है। आया, हेलो शिज़ुका। नोबिता पता है आज मैंने कुकीज बनाई है, अगर तुम्हें कुकीज खाना है तो तुम आ सकते हो। क्या कुकीज, मैं अभी आता हूँ शिज़ुका, मेरा इंतजार करना। ये, अरे नहीं आज तो जियान ने मुझे सॉकर प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, अब मैं क्या करूँगा? डोरेमोन, जियान का मूड आज इस प्रकार रहेगा, बिजली कड़केगी और बादल छाए रहेंगे, ख्याल रखना होगा। शायद वो बुरे मूड में है, चलो शिज़ुका का मूड देखते हैं। शिज़ुका का मूड आज इस प्रकार रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शायद मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस की बजाय शिज़ुका के घर जाना चाहिए। पर क्या तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, तुम्हें पता है ना डोरेमोन, जब जियान का मूड खराब हो तो उसे दूर रहना ही अच्छा होता है, मैंने सही कहा ना? तुम कुकीज खाने के लिए शिज़ुका के घर जा रहे हो ना नोबिता? तो तुम समझ ही गए ना डोरेमोन, मैं चलता हूँ। जल्दी वापस आना। अरे ये तो जियान और सुनियो है, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे सर आप। नोबिता तुम कहाँ जा रहे थे, वहाँ से गिरने पर तुम्हें चोट भी लग सकती थी, तुम्हें मालूम है ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे माफ कर दीजिए। तुम सोच समझकर काम करना कब सीखोगे नोबिता, ये बताओ, तुमने हद कर रखी है नोबिता। शायद गैजेट इसी डांट के बारे में बता रहा था। लगता है मैं लेट हो गया। शिज़ुका मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ये लो खाओ। अरे वाह, जितना चाहो उतना खा लो। खाना शुरू करते हैं। शिज़ुका तुमने ये कुकीज बहुत अच्छी बनाई है। पता है जब मैंने अपनी मॉम से शूज खरीदने के लिए कहा तो वो मेरी बात फौरन मान गई। जानते हो आज मैं बहुत खुश हूँ नोबिता। हाँ बहुत बढ़िया शिज़ुका, मेरी मॉम भी शूज खरीदने के लिए मान गई है। वाह फिर तो हमें साथ में ही शॉपिंग पर चलना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। जरा रुको मैं अपनी मॉम से पैसे लेकर आता हूँ शिज़ुका। ठीक है। नोबिता आज फिर से लेट हो गया, मैंने सोचा था आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ख्याल से नोबिता जानबूझकर खेलने नहीं आया, अब वो नहीं बचेगा। अरे कौन है ये? अरे ये क्या, अब हम क्या करें जियान? अच्छा तो तुम दोनों थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठहर जाओ। मॉम मेरी बात तो सुनिए, ये लो। हाँ और जो भी जूते तुम्हें पसंद हो वो खरीद लेना, ठीक है ना नोबिता? आपका शुक्रिया मॉम।
अरे तुम तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। ये सब तुम्हारे गैजेट की वजह से हुआ है डोरेमोन। बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। आज नोबिता बहुत खुश है और इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे नोबिता का मूड आज इस प्रकार रहेगा, जल्दी बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये तो बहुत अजीब बात है, अब क्या होगा? मैं आज शिजुका के साथ शॉपिंग पर जाऊंगा और वही शूज खरीदूंगा जो शिजुका खरीदेगी। बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ जो मैं फुटबॉल खेलने की बजाय शिजुका के घर गया। सुनियो, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज हमारी जो पिटाई हुई है उसका जिम्मेदार नोबिता है। अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज तो वो मुझसे नहीं बचेगा। पता नहीं अब क्या होगा।